दोस्तों फिलहाल आप लोगों को ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ रही है लॉकडाउन की वजह से। आप काफ़ी ज़्यादा अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों को पता है सभी कंपनियों की तरफ से जो उनके डेटा प्राइसेज है दोस्तों वो यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। फिलहाल आपको काफ़ी महंगा डेटा मिल रहा है, लेकिन दोस्तों वोडाफोन आइडिया फिलहाल आपको सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की तरफ से सबसे सस्ता इंटरनेट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और उनकी तरफ से आज 3 नए प्लान उपलब्ध कराए गए हैं और ये पूरे इंडिया के अंदर अवेलेबल हो गए हैं, जहाँ पर आपको बहुत कम ही रुपए में बहुत ज़्यादा इंटरनेट दिया जा रहा है। कौन से प्लान वोडाफोन आइडिया की तरफ से आए, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। और दोस्तों अगर आप लोग फ्री पेटीएम कैश अर्न करना चाहते हैं तो मैंने आपको फोरफोन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप फोरफोन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते ही आपको डायरेक्ट 50 रुपीज का पेटीएम कैश मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, काफी ज्यादा लोग अपने स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, काफी वीडियो कॉन्टेंट देख रहे हैं, काफी ज्यादा ब्राउजिंग कर रहे हैं, लाइव टीवी आप लोग देख रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को ज्यादा डेटा की जरूरत फिलहाल पड़ रही है। वैसे यहाँ पर जो डेटा प्राइसेज है अभी जो है दिसंबर के मंथ में इंक्रीज कर दिए गए थे, तो फिलहाल आपको जो प्लान है वो काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ऐसी कंपनियाँ जो आपको कुछ ऐसे ऑफर्स उपलब्ध करा रही है जहाँ पर जो इंटरनेट है या जो डेटा है वो आपको कुछ सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि जियो की तरफ से आप लोगों को अभी जो जियो का डेटा पैक है वो उपलब्ध कराया गया था, जहाँ पर जियो आप लोगों को रोजाना 2 GB डेटा बिल्कुल फ्री में दे रहा था और ये आपको 4 दिनों के लिए मिल रहा है। तो जो भी जियो यूजर्स हैं वो अपनी माई जियो ऐप में जाके चेक कर सकते हैं कि उन्हें जियो डेटा पैक अभी तक मिला या नहीं मिला है। उसके बाद में जो यहाँ पर आज जो ऑफर आया वो वोडाफोन आइडिया की तरफ से आया है। वैसे यार आप लोग बताना कि आप कौन सा सिम यूज कर रहे हैं, एयरटेल का सिम, BSNL, वोडाफोन आइडिया या रिलायंस जियो का सिम यूज करें, आप कौन सा सिम यूज कर रहे हैं वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए वोडाफोन आइडिया की तरफ से 3 नए प्लान उपलब्ध कराए गए हैं। वैसे जो ये 3 प्लान थे दोस्तों वो काफी पहले से चल रहे थे, रेगुलर प्लान थे, अनलिमिटेड डेटा और जो अनलिमिटेड कॉलिंग है वो इनमें आपको मिल रहा था, यानी कि पर डे आपको डेटा मिल जाता था और अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती थी। लेकिन फिलहाल इन सभी ऑफर्स में अब आपको जो है वोडाफोन आइडिया की तरफ से सेम प्राइस में यानी कि उसी कीमत में आपको दुगुना इंटरनेट दिया जा रहा है। पहले भी उनकी तरफ से कुछ ऐसे ऑफर्स आए थे जो कि यहाँ पर 1.5 GB डेटा प्लान थे, यानी कि जिनमें आपको रोजाना 1.5 GB डेटा मिलता था, उनमें रोजाना आपको 3 GB डेटा देना स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी वोडाफोन आइडिया के द्वारा ये जो ऑफर था दोस्तों वो बंद कर दिया गया था। अब उनके द्वारा 3 नए ऑफर उपलब्ध कराए गए हैं जो कि आज से पूरे इंडिया के अंदर अवेलेबल हो गए। पहला जो ऑफर है वो 299 रुपये वाला है। इस प्लान की जो वैलिडिटी होगी वो 28 दिनों की वैलिडिटी होगी। अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग आपको मिलेगी, पर डे 100 SMS आपको मिल जाएंगे। साथ में जो डेटा इस प्लान में आपको मिलेगा वो पहले यानी कि आज से पहले आपको रोजाना 2 GB डेटा मिलता था, लेकिन अब वोडाफोन आइडिया इस प्लान में आपको रोजाना 4 GB डेटा देगा, यानी कि 299 रुपये में यार रोजाना आपको 4 GB डेटा, तो काफी सस्ता ये प्लान आपको पड़ेगा। इसी के अलावा सेकंड जो प्लान है वो 449 रुपये वाला है, उसमें आपको 56 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वॉइस कॉल, रोजाना 100 SMS और अब आपको 4 GB डेटा, पहले 2 GB डेटा मिलता था। तो इस प्लान में भी आपको रोजाना 4 GB डेटा मिलेगा, जबकि जो लास्ट प्लान है वो 699 रुपये वाला है। इस प्लान की वैलिडिटी होगी 84 दिनों की, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, पर डे 100 SMS और फिलहाल आपको 4 GB डेटा इस प्लान में रोजाना मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोग ज़्यादा इंटरनेट चाहते हैं तो वोडाफोन आइडिया के ये 3 जो प्लान है वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और काफ़ी सस्ते में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट इन प्लान्स के अंदर मिल जाएगा। वैसे यार आप लोग बताना कि आपको वोडाफोन आइडिया के ये नए प्लान कैसे लगे, क्या जो दूसरे ऑपरेटर से जैसे रिलायंस जियो हुआ या एयरटेल हुआ उनको भी ऐसे ही ऑफर्स लेकर आने चाहिए, क्योंकि फिलहाल रिलायंस जियो की बात करें या एयरटेल की बात करें तो उनकी तरफ से कोई ऐसा डबल डेटा ऑफर नहीं चल रहा है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा हो, दुगना इंटरनेट मिल रहा हो, सिर्फ जो टॉपअप वाउचर्स है रिलायंस जियो की तरफ से उनमें आपको डबल डेटा दिया जा रहा है, उनके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, अलग से उन्हें रिचार्ज कराना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यार वोडाफोन आइडिया ने तो काफ़ी अच्छा ऑफर दिया, रिलायंस जियो को भी ऐसा ऑफर लेकर आना चाहिए, एयरटेल को भी ऐसा ऑफर लेकर आना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि रिलायंस जियो या एयरटेल ऐसा ऑफर लेकर आए तो वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और उसके बाद इस वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
ताकि जितने भी ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उससे जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और वोडाफोन आइडिया के डबल डेटा ऑफर के बारे में पता लगेगा। साथ में जो दूसरी कंपनी है वो भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ऑफर्स लेकर आएंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।